वहीं दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी कर केशवपुरम इलाके के एक घर से 3 नवजात शिशुओं को बरामद किया है। वहीं इसके साथ ही दूसरी 8 बच्चों का भी रेस्क्यू किया गया है। इस मामले में खरीद फरोख्त करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। सीबीआई ने कल शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में बच्चे चोरी गैंग का इस दौरान पर्दाफाश सीबीआई ने किया है। प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम है, मंजू के नाम है। ये मिली कि कोई बच्चा इन्होंने उठाया, ये मिली इन्होंने रस्ते में पकड़े गए, ये बच्चा लेके आए। ये बच्चा पता लगाया हमें, तो हमने तो इनको लास्ट ईयर अगस्त में दिया था। अब 11 महीने होने में भी 2-3 महीने बाकी है। ये कहते हैं इनका ब्रदर मिसेज और क्या कहते हैं बेटी और बेटा, ये बताया सीबीआई आई हुई है और यही बताया चोरी करने के उसमें बताया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजीत, सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में संलिप्त जो है पूरी गैंग का पर्दाफाश किया है। अजीत, सबसे पहले इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट और किस तरह से कड़ियां आपस में जुड़ती है? देखिए, बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी जो है सीबीआई की टीम द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में देर रात को शुक्रवार की देर रात को उत्तर पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम इलाके में भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंच चुकी थी। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोकल पुलिस जो वो भी साथ में मौजूद थे। जब एक घर में पहुंची तो वहां से जो सीबीआई की टीम ने 2 नवजात बच्ची को वहां से बरामद किया है, जिसमें जो जानकारी आ रही है एक बच्ची जो 15 दिन की बच्ची बताई जाए, जबकि दूसरी 2 नवजात बच्चे हैं। तो 2 नवजात बच्चों को जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने रेस्क्यू किया है, सुरक्षित उनको पकड़ा है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सीबीआई की टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इस सफलता के साथ ही पुलिस टीम ने बाल तस्करी के गिरोह का बड़ा खुलासा किया है, जो कि बच्चों की तस्करी किया करते थे। और बताया ये जा रहा है कि ये गिरोह है ये तकरीबन 5-6 लाख रुपए में इन बच्चों को बेचा करते थे और उन दंपत्तियों को बेचने का काम किया करते थे जिस दंपत्ति के पास कोई भी संतान नहीं है। तो इस तरीके से पूरा गिरोह चल रहा था। अजीत, किन अस्पतालों से बच्चों की चोरी की जाती थी, साथ ही किस तरह से गैंग जो है इस पूरी चोरी को अंजाम दिया करता था? क्योंकि अस्पतालों में आमतौर पर सीसीटीवी कैमराज होते हैं या कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, आखिर कैसे ये जो गैंग है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाता था? देखिए, बिल्कुल रिया, बता चाहूंगा इस मामले में सीबीआई की तरफ से भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये लोग जो है किस तरीके से ये बाल तस्करी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो प्रदेश है, जो राज्य है, यहाँ पर एक्टिवली होकर के काम किया करते थे। बता चाहूंगा रिया, कुछ ऐसा ही मामला बीते दिनों दिल्ली के बेगमपुर इलाके से भी आया था और उस समय भी कुछ इसी तरीके का मामला था, जिसमें दिल्ली, पंजाब और ऐसे उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों का जो कनेक्टिविटी थी वो देखने को मिल रही थी। अब इस बार जिस तरीके से 7 लोगों को अभी तक सीबीआई टीम ने दबोचा है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये जो गिरोह है ये किस तरीके से काम करता था और कहां कहां इस गिरोह के जो तारे वो फैले हुए थे, तो फिलहाल जो सीबीआई की टीम है ये पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। अजीत, क्या गैंग के सभी सदस्य जो है गिरफ्तार हो चुके हैं या और पूछताछ जारी है और जो नेटवर्क है उसे खंगाला जाएगा? जी बिल्कुल, यह अभी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सामने आया है कि इसमें कुछ महिलाएं भी और कुछ अस्पताल के वार्ड बॉय भी है। क्योंकि जब इसमें खुलासा ये हुआ है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है अभी तक कि कुछ आईवीएफ सेंटर और कुछ अस्पताल इस पूरे के पूरे गिरोह में शामिल है, इसलिए हर तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो तफ्तीश करेगी क्या अस्पताल की भूमिका होती थी, अगर आईवीएफ सेंटर का अगर इसमें मिलीभगत है तो आईवीएफ सेंटर में किस तरीके से काम किया जाता था। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से एक बाल तस्करी से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो सीबीआई की जो टीम है वो हर तरीके से इस मामले की जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह के जो तार है वो कहां कहां जुड़े थे और असली जो तार है वो कहां से संपर्क जो है वो किया जाता है। बिल्कुल अजीत, बड़ी सफलता सीबीआई को इस मामले में मिलते हुए, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।